आपका वीर सेना चैनल पर स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पास के बेल आइकन को दबाएं। हिंदुस्तान के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी यानी थल सेना, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स यानी वायु सेना और सातवीं सबसे बड़ी नेवी यानी नौसेना है। ये तीनों तरह की फौजों को ट्रेनिंग देने वाली दुनिया की पहली एकेडमी है जहां अच्छे इंसान और बेहतरीन योद्धा तैयार किए जाते हैं। ये है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। पुणे शहर के खड़ग वासला नाम के एक उपनगर में स्थित है NDA, जहां कैडेट्स को तराश कर लीडर बनाया जाता है। शुरू में एकेडमी बनाने के लिए देहरादून के नाम का सुझाव दिया गया था, लेकिन बाद में उसके लिए खड़ग वासला का चुनाव किया गया। इस नई जगह पर तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग के लिहाज से बेहतरीन हालात मौजूद हैं। हिंदुस्तान की नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस के बीचों बीच स्थित सुडान ब्लॉक में इसका हेडक्वार्टर है। सुडान ब्लॉक, सुबह 7:22। इस इमारत को डोनेशन में मिले पैसों से उन भारतीय फौजियों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने शुरुआती द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुडान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। कैंपस के बीचों बीच बनी सुडान ब्लॉक की इमारत के इर्द गिर्द ही एकेडमी ने अपना शुरुआती आकार लेना शुरू किया था। NDA को तीनों सेनाओं को ट्रेनिंग देने की जगह बनाने का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था, जिससे कि सेना के तीनों अंगों में बेहतर तालमेल हो सके। तो असल में 1949 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खड़क वासला में अकेडमी की नींव रखी थी और 1955 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। आज इस बेजोड़ संस्था पर हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि सभी उन दूसरे देशों को भी गर्व है जो अपने कैडेट्स को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं।